हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, ये आपको प्रॉम्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ये आपको, तो ये मैं फ्रेश लेके आई थी। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो इसकी बनाई थी, तो ये मैं अब आपको दूसरी वीडियो बना के दिखा रही हूँ एयर फ्रायर के लिए। सेम वही मसाला है, नमक मिर्च और गरम मसाला, चाट मसाला इसमें थोड़ा सा, और थोड़ी सी अजवैन, वो भी कुटी हुई अजवैन आपने डालनी है, थोड़ा सा बेसन, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सिरका, ठीक है। ये चीज़ें आप रात को रख दें तो बहुत बेहतरीन है, इसको पूरा रैप करके रात में रख दें। मैंने रात में रख दिया था, अब मैं इसको ना एयर फ्रायर में रखने लगी। एयर फ्रायर आपने 5 मिनट पहले गर्म करना है, उसके बाद आपने इसको डालना है। ये मैंने एयर फ्रायर में रख दी है, ठीक है। आपने इसको तकरीबन 15 मिनट, ये 15 मिनट पर आपने इसको रखना है। अब ये देखें, ये तकरीबन रेडी है, आप ये चेक भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ये देखें, ये मैंने एयर फ्रायर में किए हैं, और इसमें और जो मैंने आपको वीडियो पहले अपनी में बताई थी जिसमें मैंने बेसन लगा के और इसको कढ़ाई में किए थे, उसमें इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे तैयार हुए हैं जैसे कि बारबेक्यू, और आप बल्कि अपने बारबेक्यू में भी ले जा सकते हैं, कैंपिंग आजकल जैसे सीज़न है तो आप उसमें भी ये ले जा सकते हैं, और बहुत बेहतरीन है। सी फूड यूज़ किया करें घर में, बच्चों को दें, सर्दियों के लिए बेहतरीन है। और ये अगर आप कैंपिंग करते हैं और बारबेक्यू करते हैं तो उसमें भी बेहतरीन ये फूड है। आप वैसे फोक्स इसको खाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, अपने रब की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। देखें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ज़िंदगी ना मौत। एकदम से डॉक्टर अगर कह दे कि कैंसर है और आपके पास सिर्फ एक माँ है, तो आप सोचें ज़िंदगी जैसे उस इंसान की जैसे ख़त्म हो जाती है, जैसे वो समझता है मेरा कुछ नहीं रहा, वो इसी गम में, जबकि हम हैं तो एक महीना क्या, एक दिन, एक सेकेंड नहीं पता, तो वो फिर अपनी अपनी चीज़ें समेटने लग जाता है, अपना करने लग जाता है कि जिस जिसको मैंने हक देना है, जिससे मैंने गलती की उसको बुला के माफ़ी मांगूँ। मतलब आप देखें, हमारे हाथ में ना ज़िंदगी है ना मौत है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाना है कि किसी की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस ना करें, किसी की ऐप को हम ज़ाहिर ना करें, किसी की लाइफ को हम ऐसे ना बन जाएं कि अगला हमसे कतराए, हमसे डरे कि नहीं ये तो इस तरह करेंगे, ये तो बातें करेंगे। देखें, वो बहन भाई क्या जिनको अपना गम दुख ना बता सकें, और जो हंसुन के रो के सुन के और हंसी में उड़ा दें, वो बहन भाई नहीं। बहरहाल, आप अपनी खुशियाँ, अपने गम, सब कुछ अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं। अल्लाह जिससे खुश होता है वो काम करें, अल्लाह जिससे राज़ी होता है वो काम करें, अपनी नीयत साफ रखें, ना किसी के माल पर नज़र रखें कि ये हमें दे दे, हमें कर दे, हम तो मोहताज हैं, नहीं। अपने पे ट्रस्ट रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज पढ़ें, सदका खैरात रोज़ के रोज़ दें, कोशिश करें आपके हाथ से किसी को मिल जाए, किसी की हेल्प हो जाए, किसी रिश्तेदार की हेल्प हो जाए, किसी गरीब लोग की हेल्प हो जाए, किसी नेबर की हेल्प हो जाए, किसी को अगर आपके पास ज़्यादा, देखिए दौलत पर हक है हमारे रिश्तेदारों का, हमारे लोगों का, अगर ज़्यादा है आप बांटें, दें, किसी को रोज़गार बना दें, तो इसमें खुश रहें आप। एक दूसरे के लिए दुआ गो, मेरे लिए भी खासकर बहुत ज़्यादा दुआओं में मुझे याद रखें, और आप लोग सब खुश रहें, मेरी दिली दुआएं हर एक के लिए खुशियाँ बांटें, खुश रहें और हर एक के लिए अच्छे रहें।